नीतीश जी का शौक थोड़ी है कि हम अपना छोड़ देंगे, उनको हटाया जाएगा यहाँ, बिल्कुल हटाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री शेर बिहार के लालू प्रसाद यादव, हमारे बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के लालू यादव जब बोल दिए, उनके मुंह से जब निकल गया कि आने वाला अगर सीएम कोई होगा तो चिराग पासवान होगा, तब उसी में उनका बच्चा भी बोला कि आप क्या ये बोल गए, फिर पुनः दोबारा हमारे जो अभी वर्तमान में सीएम हमारे नीतीश चाचा जी हैं, उनके जब मुंह से निकल गया कि युवा में और बेस्ट युवा है तो वो चिराग पासवान है जो सीएम लायक है। अभिषेक भैया के नेतृत्व में हम लोग सिवान से 200 गाड़ी लोग आए हैं, पूरा हॉल भर दिया, चलिए बाहर गाड़ी हम लोग गिना देते हैं। हम लोग तो उनके श्रद्धा से आए, उनका अस्पताल है और लगातार हमारे यहाँ से आने वाले लोगों को निःशुल्क इलाज की सुविधा उनके यहाँ से मिलती रही है। हम लोग इसी भावना से आए हैं, विशेष राजनीति की जानकारी तो है नहीं, हम लोग अभिषेक भैया के लिए आए हैं और कहीं भी खड़ा हो जाएंगे। आए अभिषेक भैया के रैली में? अभिषेक भैया के रैली, हाँ रैली में आए हैं, मतलब कि उनका समर्थन करने आए हैं, रैली ही हुआ ना। राजद तो पिछला 15 साल से दावा कर ही रही है लेकिन कहाँ कुछ हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24, मैं प्राची सिंह, अभी मैं रविंद्र भवन में मौजूद हूँ और यहाँ पे चिराग पासवान की पार्टी के आज मिलन समारोह है जिसमें काफी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए, देख सकते हैं कि इतनी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए? अभिषेक भैया के नेतृत्व में हम लोग सिवान से 200 गाड़ी लोग आए, पूरा हॉल भर दिया, चलिए बाहर गाड़ी हम लोग गिना देते हैं। हम लोग तो उनके श्रद्धा से आए, उनका अस्पताल है और लगातार हमारे यहाँ से आने वाले लोगों को निःशुल्क इलाज की सुविधा उनके यहाँ से मिलती रही है। हम लोग इसी भावना से आए हैं, विशेष राजनीति की जानकारी तो है नहीं, हम लोग अभिषेक भैया के लिए आए हैं और कहीं भी खड़ा हो जाएंगे। तो क्या लगता है बिहार में चिराग मॉडल लागू हो जाएगा आने वाले? चिराग मॉडल नहीं लागू होगा तो क्या होगा, सब युवा बेरोजगार कितने साल घूमेगा, अब तो लागू करना पड़ेगा ना। राजद तो दावेदारी से कर रहे कि हम तो, चलिए 15 साल तो हो गया, अब 5 साल इधर रहा जाए जी। चलिए, आप कहाँ से आए? हम पटना से ही हैं। पटना से? हाँ। किस लिए आए? अभिषेक भैया के रैली में। अभिषेक भैया के रैली? हाँ। रैली में आए हैं, मतलब कि उनका समर्थन करने आए हैं, रैली ही हुआ ना। अच्छा। हाँ। तो क्या लगता है चिराग मॉडल लागू? एकदम जीतेंगे कन्फर्म। अब नीतीश कुमार अब तो एजुकेशन देने लगे हैं विधानसभा में, तो अब यंगस्टर कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना, कब तक चुप तो रहेगा? करती है कि हम तो 40 का 40 सीट एकदम। राजद तो पिछला 15 साल से दावा कर ही रही है लेकिन कहाँ कुछ हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है बस। क्या हो रहा है, बस गठबंधन में सरकार बना पा रही है और क्या, अकेले सरकार दूसरे का भी नहीं बन पा रहा है ना। अच्छा। उसका सरकार भी तो अकेले नहीं बन पा रहा है राजद का, वो भी नीतीश जी के साथ ही है बेचारा, क्या करे, अब आधा गाड़ी टूट गया, आधा गाड़ी कैसे ढोआ रहा है। हाँ, हटा देना है, हट क्या जाएंगे, कोई हटता थोड़ी ना है, जनता हटा देती है। नीतीश जी का शौक थोड़ी है कि हम अपना छोड़ देंगे, उनको हटाया जाएगा यहाँ, बिल्कुल हटाया जाएगा, वो अब लायक नहीं है, नहीं अब वो अपनी राजनीति अपने आप छोड़ दे, नहीं तो जनता छोड़वा देगी उनको, बिल्कुल 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 दावे के साथ। अब वो कोई काम का नहीं रह गए, कोई काम का नहीं रह गए, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, वो सब दिखावा है सिर्फ। काफी मजबूत होगी, इनके को टिक नहीं सकते हैं, नहीं सवाल नहीं उठता टिकने का, चिराग भैया के साथ टिकना मुश्किल है, वैसा पढ़ा लिखा समझदार आदमी कहाँ कोई है, कोई है पढ़ा लिखा और समझदार कोई? चिराग मॉडल इस बार आ जाएगी, इधर माना ही ना, सवाल नहीं उठता है, सरकार गिर जाता है। नीतीश कुमार अभी बोले ना विधानसभा में, सरकार गिरेगा तय है, हमारी जितनी भी माताएं और बहनें हैं उन्हें सब उनको पता चल गया है कि हाँ ये किस टाइप और किस विचार के व्यक्ति हैं। बात करते हैं, आज ही राजद ने घोषित कर दिया उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव। हाँ, तो उत्तराधिकारी तो घोषित करिए देगा, बाबू जी थे अब उनके बेटा आ गए तो उत्तराधिकारी तो वे ना बनेंगे, बिहार पूरा बिहार जानता था कि हाँ राजद के उत्तराधिकारी तो तेजस्वी बाबू बनेंगे, और के बनेगा, इतना युवा है, इतना युवा में पूछ लीजिए क्या आरजेडी ने किनको नौकरी दिया है, पता कर लीजिए किनको अभी तक आरजेडी ने नौकरी दी, 5 लाख वैकेंसी बोले तो निकालेंगे, 5 लाख वैकेंसी निकाल दिए हैं, ये बात आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, 5 लाख वैकेंसी अभी तक आरजेडी नहीं दिया है, टीचर का बहाली निकला, दरोगा वाला फॉर्म निकला, 1000 फॉर्म भराया, एक स्टूडेंट से 1000 ले रहा है, फर्जी है, 1000 पर फॉर्म का दाम 1000 जोड़ लीजिए अकाउंट कितना होगा, बस युवा से फॉर्म भरवाइए, पैसा लीजिए और पेपर लीक करवाइए, पैसा जेब में, यही होगा, यही हो रहा है, यही होता रहेगा। ए लड़का, एक सेकंड, जब हमारे बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शेर बिहार के लालू प्रसाद यादव, हमारे बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के लालू यादव
जब बोल दिए उनके मुंह से जब निकल गया कि आने वाला अगर सीएम कोई होगा तो चिराग पासवान होगा। तो क्या आप मीडिया, हाँ आप मीडिया में हैं, बात को घुमाइएगा नहीं ना काटिएगा, नहीं तो फिर और कहीं आप स्टेटमेंट ले सकते हैं। हम आप लोग मीडिया का सम्मान करना चाहते हैं, तब उसी में उनका बच्चा भी बोला कि आप क्या ये बोल गए, फिर पुनः दोबारा हमारे जो अभी वर्तमान में सीएम हमारे नीतीश चाचा जी हैं, उनके जब मुंह से निकल गया कि युवा में और बेस्ट युवा है तो वो चिराग पासवान है जो सीएम लायक है। अब ये बताइए कि जब दो दो गो मुख्यमंत्री के मुंह से यानी भगवान का होता है, यहाँ से जब वो दोनों के मुंह से जब निकल गया तो धरती पर कोई माई के लाल चिराग पासवान को सीएम बनने से नहीं मिले। अरे सम्मेलन है तो मान लीजिए हमारा पूरे बिहार में कार्यकर्ता है, सबके कार्यकर्ता के नामे जानते, फेस से हम जानते, हम राम बिलास जी के साथ रहने वाला व्यक्ति थे, मैं ये मेरा अनुज है और हम इनको सही दिल से लोजपा के खड़ा करने वाला हम लोग कैंडिडेट थे और हैं और रहेंगे, रहेगा वचन एक होगा। ये यहाँ पे आए हुए जितने भी युवा थे सब चिराग मॉडल को पसंद करते हैं, आने वाले चुनाव में ये अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, और देख सकते हैं किस तरह से लोग चिराग को पसंद करते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज 24 प्राची की रिपोर्ट पट्टन। धन्यवाद।